गुड मॉर्निंग क्लास 12। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट मटेरियल। ठीक, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं उसमें भी स्टार्टिंग हुई है, लेकिन अभी लैंड और टोपोलॉजीज पढ़ाने के बाद में मुझे आपने बात करूँ, क्योंकि वो ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी आई है, जिससे उनको स्टार्टिंग पढ़ना रहता है। ठीक है, इवोल्यूशन से मतलब होता है डेवलपमेंट, किस तरह से नेटवर्क डेवलप होते होते यहाँ तक पहुँचा है। तो ये उसी की स्टोरी है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक तरह से एक स्टोरी बताई जाएगी किस तरह से नेटवर्क स्टार्ट हुआ। कहीं बात यहाँ नेटवर्क की से मतलब कंप्यूटर नेटवर्किंग से, बाकी की नेटवर्किंग से यहाँ लेना देना नहीं है, किस तरह से कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टार्ट हुई, किस तरह से वो यहाँ तक पहुँची है जो हमारे आजकल यूज करते हैं, जिसका हम सबसे ज़्यादा पता है। उसमें आगे और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अभी हमारी समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये इस तरह की चीज़ें भी डेवलप हो चुकी हैं जो आने वाले टाइम में आप लोगों के सामने आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आरपा नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आरपा नेटवर्क एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, मैंने पहले भी एक स्टोरी आप लोगों को बताई थी कि 50s के टाइम पर अमेरिकन आर्मी को ये लगा कि एक तरह का नेटवर्क डेवलप करना चाहिए जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करे। तो आर्मी मतलब मिलिट्री ने जो डिफेंस सिस्टम ने उन्होंने सोचा कि इस तरह का नेटवर्क करना चाहिए। आर्पानेट से पहले एक डार्पा नाम था एक ऑर्गेनाइजेशन DARPA डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये फुल फॉर्म। ठीक है, ये बुक आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में इसके बारे में बताया गया है। एक आर्पानेट से पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई थी जिसका नाम था डार्पा। डार्पा का हमने बदलकर 1969 में कर दिया आर्पानेट। पहले हमने इंटरनली चुपचाप इस नेटवर्क को डेवलप करने के लिए चुपचाप एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी बिना बाकी दुनिया को बताए, क्योंकि उस समय तो कम्युनिकेशन सिस्टम वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था और सारी चीज़ें आउट नहीं होती थी। लेकिन बाद में उन्होंने पूरा मतलब उसको फंडिंग करवानी शुरू कर दी गवर्नमेंट से, उसको नाम दे दिया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और उसको धीरे धीरे लगभग मतलब डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट से उसको धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके अलग कर दिया। तो 1969 से यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसे डेवलप जरूर किया था, लेकिन अब ये हो गया था कि ये आगे चलकर ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस के लिए ही रहेगी, किसी भी फील्ड में किसी भी तरह से इसे हम यूज़ कर सकते। ठीक है, तो इस एजेंसी का काम यही था कि इस तरह का नेटवर्क डेवलप करना जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी कम्युनिकेशन कर सके। मैंने पहले भी आपको बताया कि अमेरिकन आर्मी वर्ल्ड में कई जगह पर अपने वॉरशिप लिए रहते हैं, जैसे अटलांटिक ओशन में उनका वॉरशिप रहेगा, इस समय इंडियन ओशन में भी चाइना अगर रखने के लिए, तो आज के टाइम में कम्युनिकेट करना बहुत ईजी है, आज हमारे पास इंटरनेट है, लेकिन उस समय कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल था खराब मौसम की वजह से, और फोन लाइन समुद्र के अंदर तो पहुँच नहीं सकती थी, किसी भी सी के अंदर या किसी बीघा जंगल में ऐसी फोन लाइन से ऐसी चीज़ों का होना पॉसिबल नहीं था। इसी परपज से लोगों ने इस तरह के नेटवर्क बनाने के लिए मतलब मन बनाया, इस तरह का नेटवर्क बनाया गया जो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी हमें कम्युनिकेट करने में आसानी दे। ठीक, डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ी उन्होंने बाद में उसका नाम एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नाम तो वही थी तो अलग थी, एक और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की जिसका नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ठीक, एक और उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, बाद में दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर वर्क करने लगे, इसको भी गवर्नमेंट फंडिंग दे दी थी और दोनों को दे दी, बाद में धीरे धीरे चलकर ही आगे चलकर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपस में भारत हो गए और धीरे धीरे इनका नाम खत्म हो गया और इन्हीं दोनों की वजह से जन्म हुआ हमारे इंटरनेट। पॉपुलैरिटी 1991 के बाद ही जब वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप हुआ था, भाई इंटरनेट नेटवर्क उन्होंने पहले फॉर्म करें, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी 1991 से डेवलप हुई जब टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप किया, क्योंकि नेटवर्क तो बन चुका था लेकिन नेटवर्क पर वर्क कैसे हो ये किसी को नहीं पता था। तो जब उन्होंने टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया और विंट सर मैंने पहले भी नाम बताया, उन्होंने DCP/IP प्रोटोकॉल बनाई, तब जाकर इंटरनेट वैसा मोबाइल से हम आज यूज़। तो इंटरनेट को डेवलपमेंट में इस एजेंसी इन दोनों एजेंसी जिसका अपना रोल है इस एजेंसी का बहुत ज़्यादा, और ये जो उसकी बात नहीं कर पाते। तो डार्पा और आर्पानेट अलग अलग नाम थोड़ा सा हो गए, क्योंकि बाद में उन्होंने उसको डिफेंस वाले सिस्टम से अलग कर दिया, थोड़ा सा उन्होंने उसको ऐसा कर दिया कि उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट से फंडिंग मिल सके और उस पर रिसर्च इजिली हो सके। ठीक है, तो इन्हीं दोनों ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते करते ही वो नेटवर्क जो हमारे इंटरनेट फॉर्म में यूज कर सकते हैं वो नेटवर्क यूज़।
देखो इंटरनेट एक नेटवर्क है, लेकिन जो हम उस पर वेबसाइट्स देखते हैं वो एक फैसिलिटी है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों का कोई मतलब नहीं। बहुत सारी कुछ में लिखा होता है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों के सिमिलर सिनोनिम्स हैं, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट एक नेटवर्क है जिसके थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब रन करता है, ठीक है। इंटरनेट के बारे में बताते हैं, तो आपने इंटरनेट के बारे में बहुत सुना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन चेंज। देखो इस पिक्चर के थ्रू डेफिनेशन को बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिक्चर भी आपको होगी जो आप जो आपकी जो क्लास वगैरह की बुक है उसमें एक पिक्चर गिवन है। इसमें क्या कहते हैं कि इंटरनेट दो चीज़ पर डिपेंडेंट होता है, एक होता है गेटवे, एक होता है बैकबोन। बैकबोन का मतलब होता है ये है वो इंटरनेट एनवायरमेंट जो लोग यूज़ करते हैं। हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं हम इंटरनेट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक्सेस हमारे पास नहीं है। हमको लगता है कि इंटरनेट को डायरेक्ट एक्सेस करता है, ऐसा नहीं है। हम इंटरनेट को इनडायरेक्टली एक्सेस करते हैं, होता क्या है ये जो ये है मान लो इंटरनेट, ये इंटरनेट का बैकबोन है जहाँ से सारा काम चलता है। इस बैकबोन के थ्रू ये गेटवे जुड़े हुए, गेटवे से मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है, और ये दोनों नेटवर्क डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं। देखो यहाँ पर ये ट्री के फॉर्म में है, यहाँ पर ये रिंग के फॉर्म है, यहाँ पर ये रिंग के फॉर्म है, तो ये अलग अलग नेटवर्क इस गेटवे के थ्रू जुड़े हुए, ये अलग अलग कई सारे गेटवे हैं। गेटवे से तुम ऐसे कह सकते हो कि जैसे ये समझ लो कि यहाँ पे ये समझ रहे हैं ये जियो है, ये वोडाफोन है, ये अलग अलग गेटवे हैं, ये अलग अलग वो गेटवे हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। हमको अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो हम जियो का यूज़ करेंगे, बीएसएनएल का यूज़ करेंगे, या किसी कंपनी का यूज़ करेंगे, हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, हम एक गेटवे के थ्रू यूज़ करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कंपनी हम इंटरनेट वहाँ से मतलब इंटरनेट की फैसिलिटी वहाँ से उठाती है और हमें प्रोवाइड कराती है। कोई भी इंसान डायरेक्ट इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर रहा है, बस उसे ये लगता है कि वो डायरेक्ट इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है। ये है इंटरनेट एनवायरनमेंट, यहाँ से ये अलग अलग गेटवेज जो होते हैं, ये अलग अलग गेटवेज अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हमको ये नेटवर्क देते हैं, ठीक है। ये अलग अलग मतलब गेटवे का गेटवे एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर एक नेटवर्क ट्री फॉर्म में है और एक नेटवर्क रिंग फॉर्म में, तो भी हम इसे जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क के लिए होता है। ये गेटवे की क्वालिटी होती है, तो ये अलग अलग गेटवे हैं जो इंटरनेट फैसिलिटी देते हैं, बाद में ये हम प्रोवाइड कराते हैं, ये हम लोग हैं, ठीक है। डेफिनेशन वही है, मतलब कहने का मतलब वही है कि ऐसा नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और प्रॉपरली वर्क कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। बस उसको थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरीके से इलैबोरेट करने की कोशिश की गई है, ये एक बैकबोन वर्ड यूज कर लिया गया और एक गेटवे वर्ड यूज कर लिया गया है, क्योंकि ये नेटवर्किंग का चैप्टर है तो इसमें नेटवर्किंग के वर्ड्स बहुत यूज किए जाएंगे। बाकी चले क्योंकि आपको राउटर ब्रिज स्विच ये सारे वर्ड्स सुनने को मिलेंगे, और भी सारी कई सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले की क्लास में नहीं पढ़ी। नेटवर्किंग के चैप्टर क्लास से इंट्रोड्यूस भी रहता है, ऑनलाइन में भी रहता है, थोड़ा टेंथ में भी रहता है, इलेवंथ में भी, इलेवंथ में तो नहीं है लेकिन ट्वेल्थ में आपके में एक पूरा एक बड़ा सा चैप्टर है जो कि पूरे पूरे 10 मार्क्स का, लेकिन बहुत सारे नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो आपको पढ़ने इससे पहले की क्लासेस में नहीं पढ़ी। तो इंटरनेट है वही, डेफिनेशन वही है, सारी चीज़ें वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको और अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एक बड़ा एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू हम इनडायरेक्टली अटैच है। ये है यूजर, ये यूजर भी डायरेक्ट यूजर नहीं कह सकते, यूजर सर्वर से है, ये डायरेक्ट यूजर है जो कि उस एनवायरनमेंट को ठीक डायरेक्ट डायरेक्ट यूजर को वो चीज़ नहीं प्रोवाइड होती है, हमें देखने में लगता है कि वो डायरेक्ट यूजर को। लेकिन यहाँ हम मान सकते हैं कि ये हम लोग यूजर हैं और ये जो गेटवेज हैं ये वो कंपनीज हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। देखो ये एक तो एक चीज़ भी होगी, दूसरी चीज़ क्या होती है, एक चीज़ और उसमें होगी, नया वर्ड है आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, इंटर स्पेस, ठीक है। ये भी इसी जो आपका एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, इसमें ये भी एक टॉपिक है इंटर स्पेस। इंटर स्पेस आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। इंटर स्पेस से मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर है, ये इंटरनेट का यूज़ कर भी मतलब इंटर स्पेस में इंटरनेट का यूज़ हो भी सकता है और नहीं हो सकता, बिना इंटरनेट के भी हम इसको चला सकते हैं। ये एक ऐसा क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर होता है इंटर स्पेस, आगे चल के इसका यूज़ होगा, अभी तो उतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है हमारी लाइफ में, लेकिन आने वाले टाइम में ये समझो कि मतलब इंटरनेट का फ्यूचर है, इंटरनेट इसका हमारा फ्रेंड है, वैसे ही फ्यूचर के टाइम पर हम इंटर स्पेस का यूज़ करेंगे। अभी उतना इसका यूज स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी हमारे लेवल पर इसका यूज स्टार्ट नहीं हो पाया। आने वाले टाइम में इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे जो कि हमको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग जो है कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट
क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्किंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेट और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है, इंटरनेट जो होता है वो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल यूज करता है, ठीक है। प्रोटोकॉल से टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होती है उसको आगे बताएंगे, हालांकि आपने नाम पहले से सुना होगा, सुना ही नहीं होगा, एक बार बताया गया टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, तो इसी प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करता है। लेकिन इंटर स्पेस को वर्क करने के लिए इस प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ती, इंटर स्पेस बिना इस प्रोटोकॉल के भी हम वर्क कर सकता है, और इसके भी नेटवर्किंग वाला भी सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये प्रोटोकॉल को यूज किए बिना हम लोग इस पे नेटवर्किंग का काम करते हैं, ठीक है। ये अभी ये टेक्नोलॉजी जो है ये अभी डेवलपिंग मतलब डेवलप तो हो चुकी है, लेकिन ये उतनी पॉपुलर पॉपुलर नहीं हुई है, ये फ्यूचर में मतलब आने वाले टाइम में इंटर स्पेस का यूज धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये इंटरनेट मार्केट टाइम में यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में लोग इंटर स्पेस का यूज करेंगे, अभी इसका यूज स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे वो हमारी लाइफ में आने में 2-5 साल लग सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा भी नया टॉपिक है। ये आपने जितनी भी नेटवर्किंग पढ़ी है उसमें इंटर स्पेस का कोई कहीं मतलब कोई जिक्र नहीं है। मैंने भी नेटवर्किंग पढ़ी थी अपने पढ़ाई के टाइम पर, उसमें भी कहीं पर इंटर स्पेस वर्ड कहीं सुनने को नहीं मिला था, क्योंकि तब उस समय वो डेवलप ही नहीं हुआ था, या वो भी गया होगा तो कोर्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन ये अभी अभी कोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत ज़्यादा इसकी डिटेलिंग भी नहीं है, डिटेल में इसके बारे में स्टडी करना चाहूँगा तो बहुत डिटेल में स्टडी नहीं है, बस इतना है कि एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर है जो हमें एक तरह का एनवायरनमेंट देता है, जिसमें हम लोग किसी भी तरह के ऑडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 3D एनवायरनमेंट, हर चीज़ हम कर सकते हैं। मतलब एक समझ लो इंटरनेट का एक अल्टरनेटिव, इंटरनेट का एक अल्टरनेटिव पार्ट है, तो कुछ कुछ वैसा ही नहीं है, एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है, उससे कहीं तरह का डिफरेंट है। देखो नेक्स्ट जो आपका टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो भी मैंने दिखाया होगा इसमें भी कुछ नए नए टर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपने पहले नहीं देखे हैं, उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं जिस तरह से उनका क्या क्या मतलब। कैसे रिलेटेड है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा किस तरह से इन चीजों को रिलेट किया गया है। ये मीडियम होता है, डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जिस मीडियम के थ्रू जाता है वो डेटा, उसको हम बोलते हैं डेटा चैनल। ये मीडियम कैसा भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें खाली इतना ही है, डेटा चैनल क्या होता है, वो मीडियम है जिसके थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। बाउंड क्या होती है, बाउंड या बिट पर सेकंड या बाइट पर सेकंड आगे बढ़ने के लिए, ये एक बाउंड एक अलग वर्ड इसमें क्रिएट कर दिया गया है, जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है उसकी एक यूनिट होती है। जैसे हमारी नॉर्मल गाड़ियों की स्पीड के लिए होती है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर होती है, वैसे ही डेटा ट्रांसफर की अपनी स्पीड होती है अलग अलग चीज़ें होती है। तो जैसे किलोमीटर पर आवर होती है गाड़ियों की, मतलब अगर व्हीकल की स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर होगी या मीटर पर सेकंड होगी, तो उसी तरह से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक यूनिट यहाँ पर एक अलग नाम से बनाएंगे, उसको कहते हैं बाउंड। ये यूनिट और ये बिट पर सेकंड सब एक ही है, लेकिन इसको अलग अलग नाम है। बाउंड का मतलब कुछ और होता है, बिट्स पर सेकंड होता है डेटा ट्रांसफर की, ये सबसे छोटी यूनिट होती है बिट्स पर सेकंड। बिट्स के बिट्स और बाइट्स क्या होते हैं, अगर सिंगल मान लो एक वन लिखा हुआ है या एक जीरो लिखा हुआ है, तो ये होता है हमारा वन बिट, ठीक है। ये भी वन बिट है, दोनों का सिंगल अगर एक डिजिट लिखी हुई है, एक बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, तो ये एक बिट होता है। 8 बिट्स को मिलाकर, 8 बिट्स को मिलाकर 1 बाइट, ठीक है। ये बिट्स से बड़ी यूनिट होती है बाइट, बाइट से बड़ी होती है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट जिसको हम लोग जीबी बोलते हैं, तो ये सारी चीजें यूनिट होती है। तो वो जो डेटा हमको तो मिलता है वो एमबी या जीबी में होता है, और जो डेटा डेटा की स्पीड होती है तो वही वो बिट्स पर सेकेंड या बाइट्स पर सेकेंड या किलोबाइट पर सेकेंड होता है। क्योंकि स्पीड है तो उसके साथ साथ एक टाइम मेजरमेंट भी रहेगा पर सेकंड में, कि इतने सेकंड के अंदर ये मतलब ये डेटा यहाँ से ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो एक ही, ये और ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है, बल्कि ये डेटा ट्रांसफर डेटा तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मैंने इनको तीनों अलग अलग पॉइंट पर लिख दिया है, लेकिन तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तीनों चीज़ें अलग अलग नहीं है। बाउंड और बिट पर सेकंड एक ही चीज़ है, वो अलग अलग नहीं है।
फिर बिट्स बिट पर सेकंड को यहां पर अलग से डिनोट किया गया है कि बिट्स पर सेकंड का मतलब क्या होता है कि ये डेटा ट्रांसफर रेट है, बिट पर सेकंड सबसे छोटी यूनिट होती है। इसी में अगर लिखा हुआ है बीपीएस, अगर लिखा हुआ है स्मॉल बी और स्मॉल एस, तो ये हमारा होगा बिट्स पर सेकंड, ठीक है। लेकिन अगर ये कैपिटल बीपीएस है, अगर कैपिटल बिट बीपीएस है, तब कैपिटल बी लिखा हुआ है, ठीक है, उसका मतलब होता है बाइट्स फास्ट। यहां पर डेटा में छोटी बाइट्स की स्मॉल में लिखा हुआ है तो मेगाबिट्स पर सेकंड, स्मॉल एंड स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एस तो मेगाबिट पर सेकंड। देखो इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये बिट्स पर सेकंड है, ये मेगाबिट्स पर सेकंड है और ये मेगाबाइट्स पर सेकंड। तो ये 8 होने का फर्क, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि 8 बिट मिलाकर 1 बाइट होता है, उसमें 8 होने का डिफरेंस है। तो जो हम लोग इंटरनेट लेते हैं, इंटरनेट जो हम लोग लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी ने अपने घर में ब्रॉडबैंड लगवाया, तो उसमें होता है पहले के टाइम में जो ब्रॉडबैंड आता था तो वो 32 केबीपीएस का आता है, किलोबिट पर सेकंड। आज के टाइम पर 2 एमबीपीएस का आने लगा, काफ़ी पहले मैंने लगवाया था, बहुत पहले 2008 में, तो वो 32 केबीपीएस का उसमें ब्रॉडबैंड लगता था एयरटेल का, आज वही 2 एमबीपीएस का लग गया। तो वो दो बहुत बार लिखा होता है, वो लोग जो लगवाने लगाने आते हैं कहते हैं कि 2 एमबी का डेटा आपके पास है, वो 2 एमबी का डेटा नहीं होता है, वो या तो ये होगा या तो ये होगा, 2 एमबीपीएस होगा या फिर तो ये वाला, लेकिन नॉर्मली ये होता है, ये वाला मेगाबिट्स पर सेकंड, मेगाबाइट्स पर सेकंड और ज़्यादा हाई होता चला जाता है। और फॉरेन में तो बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर मतलब आगे विदेशों में जहाँ पर गीगाबाइट्स पर सेकंड में भी डेटा डाउनलोड होता है, तो वहाँ स्पीड और ज़्यादा तेज होती है। तो ये डेटा डेटा के डाउनलोड होने की स्पीड इतनी इतनी देर में इतना डेटा आपके पास रिसीव हो जाएगा इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ जो होती है फ्रीक्वेंसी, आपको उन्होंने पढ़ी होगी साइंस में फिजिक्स में, फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वर्क करती है। अगर हमारा जो अगर हमारी बैंडविड्थ मान लो जैसे इंटरनेट का कनेक्शन हमने लिया उसमें हाई बैंडविड्थ होती है, जिनकी बैंडविड्थ हाई होती है वो होती है हमारे ब्रॉडबैंड, और जो उनकी बैंडविड्थ लो होती है वो हमारे नॉर्मल डायल अप कनेक्शन। तो इसमें भी इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो उसकी मेजरमेंट होती है इसमें मेगाहर्ट्ज़। जो भी डेटा ट्रैवल होकर हमारे पास आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आता है, इसीलिए इसको इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज़। तो मेगाहर्ट्ज़ पर सेकंड मेगाहर्ट्ज़ होती है या फिर गीगाहर्ट्ज़ होती है, ये उस जो हमने कनेक्शन लगवाया है ये उसकी बैंडविड्थ होती है। जो डेटा हमारे पास आएगा जिस वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जो आ रहा है उसकी यूनिट मतलब किस क्वांटिटी में किस फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो उसमें भी दो टाइप की और मतलब से कम भी आती है, लेकिन आज के टाइम में मेगाहर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ से यूज किया जाता है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जब लेते हैं तो ये सारी यूनिट्स उसमें यूज की जाती है। तो बैंडविड्थ बस खाली मतलब ये होता है कि अगर बैंडविड्थ हाई है तो मतलब हमारा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो हाई स्पीड वाला होगा, अगर बैंडविड्थ लो है तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन लो स्पीड का होगा। अगर बैंडविड्थ हाई होगी तो डेटा उतनी ही तेजी से और हमारे पास ट्रांसफर होगा, उसकी स्पीड को और बूस्टअप कर देगा और उतनी ही तेजी से ट्रांसफर होकर आएगा। भाई अगर आपके पास 2 एमबीपीएस का कनेक्शन है, ठीक है, 2 एमबीपीएस कनेक्शन है, लेकिन आपकी बैंडविड्थ जो है बहुत कम है, कनेक्शन तो आपके पास तेजी से आया है, कनेक्शन तो आपके पास तेज डेटा का है, लेकिन बैंडविड्थ लो होने की वजह से वो चीज़ वर्क उतनी अच्छे से नहीं करेगी। तो दोनों ही चीज़ों का इंटरनेट की स्पीड पे इन दोनों चीज़ों का ही बहुत बड़ा असर है। अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे अच्छे से तभी चीज़ें ये दोनों मेगा बटन मतलब अगर उसकी बैंडविड्थ भी हाई होगी और स्पीड भी हाई होगी तभी डेटा आपको इजीली मिल पाता है। हम लोग जो जियो का यूज़ करते हैं तो जियो में बहुत बार देखते हो कि बहुत बार तेज़ी से नेट चलता है, कभी कभी लो चलता है, तो वही बैंडविड्थ लो हो जाती है तो नेट धीमा चलने लगता है। जब ज़्यादा यूज़र बढ़ जाते हैं, मान लो जिस एरिया में रात के टाइम में जो यूज़र कम होते हैं, मैक्सिमम लोग कुछ ही लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोग सो रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारी बैंडविड्थ हाई होने से हमारे पास डेटा और तेज़ी से आने लगता है। तो अगर आपने कनेक्शन अच्छा वाला भी ले रखा है लेकिन उसकी बैंडविड्थ लो है तो वो कनेक्शन आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। इंटरनेट की स्पीड के लिए बैंडविड्थ भी हाई होनी चाहिए और जो आपकी मतलब जो आपकी स्पीड वो भी हाई होनी चाहिए। लास्ट में आता है डेटा ट्रांसफर मैंने कहा कि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, डेटा ट्रांसफर का मतलब कुछ अलग नहीं है, यही होता है बीपीएस और बाओ या बिट पर सेकंड। बीपीएस बाओ जो है यही बिट पर सेकंड अलग नहीं है, डेटा ये हमारा डेटा ट्रांसफर रेट ही है जो इन्होंने ये दोनों चीज़ें बताई आपको, ये बाइट्स पर सेकंड एमबीपीएस मेगाबिट्स पर सेकंड ये वाला एमबीपीएस मेगाबाइट्स पर सेकंड, तो ये सब डेटा ट्रांसफर रेट है जो डेटा हमें
इंटरनेट के थ्रू या किसी नेटवर्क के थ्रू हमारे पास ट्रांसफर होकर आता है, ये उसकी स्पीड को मेजर करता है, किस रेट से वो डेटा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, थोड़े से ये नए नए नाम से ज़्यादा कुछ में वो डिफिकल्ट नहीं है, देखने में लगता है वो क्या मतलब अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, बस ये है कि वो आपके सामने इस तरह से कभी रिप्रेजेंट नहीं होगी जैसे पहले से आप लोग यूज़ करते तो आ रहे, आपको पता नहीं कि वो चीज़ हम यूज़ करते हैं, जो भी नेटवर्क हम लोग यूज़ करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, डेटा जनरेट भी होता है, यूनिट भी होती है, बैंडविड्थ भी होती है, बस वो हमें जानकारी नहीं है कि हम उसका यूज़ करके इसको मतलब इसको यूज करके सारी चीज़ें जो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बावन बिट पर सेकंड और ये एमबीपीएस, ये सिर्फ यूनिट है, ये बावन भी एक यूनिट है, उसको अलग नाम दे दिया, बिट पर सेकंड का ही एक सिनोनिम है बावन, तो ये यूनिट आपके डेटा ट्रांसफर करने की, डेटा ट्रांसफर का ये रेट है। हाँ, ये जो बैंडविड्थ है वो अलग है, मेगाहर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ ये चीज़ अलग है, ये फ्रीक्वेंसी है उस इंटरनेट की जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं या हम लोग यूज़ कर रहे हैं।